हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ डीटीएच और केबल टीवी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्राई के न्यू रूल आने के बाद से डीटीएच और केबल टीवी में किसके सर्विस ज्यादा बेहतर है। आपको अगर नया कनेक्शन लगाना है तो आपको डीटीएच की तरफ जाना चाहिए या केबल टीवी की तरफ जाना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूं, ट्राई के न्यू रूल आने के बाद से डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म सर्विसेज साथ ही चैनल के रेट जो है सिमिलर हो चुका है, यानी कि एक जैसा हो चुका है। पहले हुआ करता था केबल टीवी और डीटीएच काफी महंगा हुआ करता था। डीटीएच का लकाटे चैनल या पैकेजेस उनके काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, जिस वजह से केबल टीवी कहीं न कहीं बहुत ही सस्ता पड़ता था। ट्राई के न्यू रूल आने के बाद भी केबल टीवी बहुत सस्ता है डीटीएच के मुकाबले, बट हम बात करेंगे आज क्वालिटी के बारे में, बात करेंगे बेटर सर्विस के बारे में। इसमें कहीं न कहीं डीटीएच सर्विसेज केबल टीवी से आगे ही है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पैकेजेस के बारे में, तो पैकेज जो ब्रॉडकास्टर का बुके या अलाकाटे है वो तो दोनों जगह प्लेटफॉर्म पे आपको सेम मिलेगा। एनसीएफ फी में भी ऑलमोस्ट आपको सेम है, प्राइमरी एनसीएफ फी दोनों तरफ 153 रुपीज है, बट एडिशनल एनसीएफ फी के बारे में अगर बात किया जाए तो डीटीएच कंपनी मोस्टली पैकेजेस पे एडिशनल एनसीएफ फी चार्ज करता है, जबकि केबल टीवी ना के ही बराबर चार्ज करता है। यानी कि एडिशनल एनसीएफ फी यानी कि 25 चैनल पे 20 रुपए जो पे करना होता है वो केबल टीवी नहीं लेता है, ये डिस्काउंट दे रहा है। और डीटीएच कंपनीज में कुछ पैकेजेस पे डिस्काउंट है और कुछ पैकेजेस पे आपको पे करना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी कनेक्शन के बारे में। अगर बात की जाए केबल टीवी और डीटीएच के मुकाबले तो मल्टी कनेक्शन पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो देता है वीडियोकॉन और डिश टीवी डीटीएच कंपनी देता है। केबल टीवी में बहुत कम ही केबल टीवी बड़े वाले हैं जो आपको ऐसे मल्टी कनेक्शन पे डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं, बट यहाँ डीटीएच में इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि बता दूं कि डिश टीवी वीडियोकॉन 50 रुपीज प्लस जीएसटी अगर मल्टी कनेक्शन है तो आपको देता है, एयरटेल आपको 80 रुपीज प्लस जीएसटी देता है, टाटा स्काई यहाँ पे कोई डिस्काउंट मल्टी कनेक्शन पे नहीं देता है। तो मल्टी कनेक्शन पे भी अगर देखा जाए तो डिश टीवी वीडियोकॉन काफी एयरटेल भी काफी सस्ता कर दिया, तो केबल के मुकाबले कहीं ना कहीं बेहतर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पैकेजेस के बारे में। तो आए दिन डीटीएच और केबल टीवी पे नए नए पैकेजेस लॉन्च होते रहते हैं। अगर आप बात की जाए नॉलेज के बारे में तो डीटीएच जो है, जैसे इंडिया के चार बड़े डीटीएच जैसे कि डिश टीवी वीडियोकॉन टाटा स्काई एयरटेल सन डायरेक्ट डीटीएच, चार पांच जो डीटीएच इंडिया में ऑलमोस्ट जगह पे चलाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बेहतर बात होता है कि इनका सोर्सिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, एडवर्टाइजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों के पास जैसे कुछ नया चीज आता है पहुंच जाता है, जबकि केबल टीवी एक लिमिटेड हो जाता है। अगर इंडिया लेवल पे है, अगर बहुत बड़ा ग्लोबल एमएसओ है तभी उनके जो पैकेजेस है या जो कुछ ऑफर्स लेके आ रहे हैं वो आता है। अदरवाइज डीटीएच कंपनी एडवर्टाइज करके भी अपने ऑफर्स और जो भी क्वालिटीज बॉक्सेस जो भी लॉन्च करने वाले सारे एडवर्टाइज के मोमेंट से भी बता देते हैं, जिससे ग्राहकों को कहीं ना कहीं से फायदा ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी कंटेंट के बारे में। तो आप जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं डीटीएच कंपनी जितनी भी होती है वो भी प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन केबल टीवी में आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज आप जिस भी लैंग्वेज में जिस भी एरिया में रहते हैं वहां के इंडिपेंडेंट हेड एंड है या ग्लोबल हेड एंड है वो आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा देता है, जबकि डीटीएच में पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। कुछ अगर केबल टीवी में बेनिफिट है तो कुछ डीटीएच में लॉस है, अगर कुछ डीटीएच में अगर आपको बेटर मिलता है तो कुछ उसका केबल टीवी में भी नुकसान होना पड़ता है। बात करते हैं हम लोग सिग्नल के बारे में। तो केबल टीवी को मेंटेन करने के लिए हमेशा आपको सिग्नल कभी डाउन होता है कुछ होता है तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन डीटीएच में भी ये है, अगर आपका सिग्नल से रिलेटेड इश्यू है तो वहां पे आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको डिश एंटीना ठीक करने आता है। लेकिन केबल टीवी में यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाता है विदाउट पेइंग एनी चार्ज, आपको फ्री सर्विसेज मिलते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बॉक्स क्वालिटी के बारे में, तो आजकल एंड्रॉयड बॉक्सेस भी आ चुके हैं, 4K बॉक्सेस भी आ चुके हैं, एमपेग 4 एमपेग 2 बॉक्सेस भी चल रहे हैं, लेकिन जितने भी डीटीएच कंपनीज हैं, डीटीएच कंपनी जैसे कि टाटा स्काई के बॉक्सेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा होता है, जबरदस्त होता है उसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू केबल टीवी, उनके क्वालिटी तो कहीं न कहीं ज्यादा ही, एयरटेल और टाटा स्काई के बॉक्सेस की क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर होता है दूसरे डीटीएच और केबल टीवी के मुकाबले। ये कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ अपडेट्स हैं, और आपको साथ ही बता दूं डीटीएच कंपनी एनुअल पैक सेमी एनुअल पैक आकर्षक ऑफर के साथ लॉन्च करते रहता है, केबल टीवी के मुकाबले ज्यादा बेहतर ही होता है।
अब बात करते हैं केबल टीवी के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं, केबल टीवी में भी आपको बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे कि एडिशनल एनसे फी पे, प्लस साथ ही आपको यहाँ पे सर्विसेज फ्री किया जाता है, सारी चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों में सिमिलरिटीज है, कुछ चीजें डीटीएच में भी आपको बेनिफिट है तो कुछ केबल टीवी में भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डीटीएच बेसिकली किस एरियाज में लेना चाहिए। अगर मान लो अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको केबल टीवी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिटीज में ऑलमोस्ट सारे एमएसओज अवेलेबल रहते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन होता है उनमें, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट वे में सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं। डीटीएच बेसिकली रूरल एरियाज में भी बहुत सारे लोग लेते हैं, जहां पे केबल टीवी अवेलेबल नहीं है उस एरियाज में डीटीएच अपने आपको सब्सक्राइबर बेस बनाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है, उनका पैकेजेस भी अगर महंगा है तो भी ग्राहकों को लेना पड़ता है। ये कुछ बातें थी, जो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।